मैं और सुपरिटेंडेंट जेल दोनों साथ थे, जेल का और स्टाफ भी वहां था। तो जब उसको कहा कि फांसी दी जानी है तो वो कहता हाँ मुझे मालूम है। मैं कहा ये तो बहुत ही मेच्योर वो है। फिर उसने हमारे साथ बैठ के आराम से चाय पी, बड़ी खुल के बात की उसने। तो मैं तो हैरान हुआ कि जिसको मैं इतना बड़ा टेररिस्ट समझता था वो इस तरीके से बात करो। प्लस जो उसने रिवीलिंग बात कही मेरे को, उसने कहा कि मैं कोई वो टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं कि मैं इसको इंडिया से अलग करना चाहता था, मैं तो खाली एक जो एक है मैं करप्शन से लड़ रहा था। कहते करप्ट लोगों ने मुझे टेररिस्ट बना दिया। मुझे ये बात उसकी बहुत ही अच्छी लगी। और जब वो एक्चुअली यालस पे गया, आप बोल रहे हैं कि अब हैंगमैन नहीं है, वन अदर थिंग दैट वन रियलाइजेस कि देयर आर वेरी फ्यू हैंगमैन इन द कंट्री, तो यू क्लियरली ओवरकम बाय व्हाट हैपेंड विद अफजल। सॉरी, वुड लाइक अस टू स्टॉप, लेट अस स्टॉप, जस्ट कट गाइस। उसने कहा कि मैं तो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, मुझे इन्होंने टेररिस्ट बना दिया। मुझे भी लगा कि मैं भी जैसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें की हैं जिसमें कि करप्शन को मैं अब सिंगल लेवल बहुत छोटा सा मैं आदमी हूँ कुछ कर सकूँ, तो मुझे अपने में वो नजर आया।